द सीक्रेट ऑफ लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोजन ग्रीन पीस। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, गैस को मैं ऑन करती हूँ, गैस को ऑन कर देती हूँ। ये पतीला है, इसमें मैंने पानी लिया है, नॉर्मल पानी। उसको हम लोग बॉईल करेंगे, अभी हम लोग उसको बॉईल करेंगे, अच्छा उबाल आने देंगे। उसके बाद में हम लोग उसमें ग्रीन पीस ऐड करेंगे। अभी पानी को उबालना शुरू हो गया है तो मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर डालती हूँ। हम लोग इस पानी में शक्कर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन पीस जो है ये 1 साल तक वही टेस्ट मेंटेन कर सके जो कि टेस्ट अभी है। फ्रोजन ग्रीन पीस करके रखने का और एक रीज़न है, अभी बारिश का सीज़न है तो ग्रीन पीस बहुत सस्ते मिलते हैं, तो हम लोग इसको स्टोर करके 1 साल तक रख सकते हैं। आप देखेंगे कि पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन पीस। आप देख रहे हैं ग्रीन पीस ऊपर तैर रहे हैं। हमको ये ग्रीन पीस 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं उबालना है। इस दूसरे बाउल में मैंने फ्रिज का पानी ले लिया है, चिल्ड वाटर। इसको मैं यहाँ पे बाजू में रख देती हूँ। अभी आप देखेंगे कि 2 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसको निकालूंगी और ये जो फ्रिज का पानी रखा हुआ है, ये वाला, ये जो फ्रिज का पानी रखा हुआ है इसमें मैं डालूंगी। अभी हम लोग इसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसको बर्फ के पानी में डाल देंगे।
मटर काफ़ी ज़्यादा थे तो वो फर्स्ट बैच में पूरे नहीं बच पाए थे, तो मैं अभी जो बचे हुए हैं उनको मैं सेकेंड बैच में डाल दूँ। फिर से सेम प्रोसेस, हम लोग थोड़ी सी शक्कर ऐड कर देंगे, क्वांटिटी कम है इसलिए मैं 1.5 चम्मच ही डाल रही हूँ। इसमें उबाल आ चुका है तो हम लोग इसको सेकेंड बैच को डाल देते हैं। इसमें इसको 2 मिनट तक चलाएंगे तो हम लोग देखते हैं इसमें से क्या हो गया है। इसको कल पटाना है, वो तो एकदम अच्छे से हो गया है। रुको मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये कैसे हुआ है। ये देखिए, ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम लोग ये मटर को निकाल लेंगे। तब तक मैं जिप लॉक बैग है तो हम लोग वो चिल्ड वाटर से निकालने के बाद इसमें मटर को पैक करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अभी हम जो ठंडे पानी में मटर डाले थे उनको निकाल लेंगे क्योंकि अभी वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुके हैं। इसमें अभी उबाल आ चुका है, अभी हम लोग इसको निकालेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे।
इसको मैं बाजू में रख देती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको जिपलॉक बैग में पैक करेंगे और फ्रीजर में डीप फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीज में नहीं रखना है हमको, हमको ये पैक करके फ्रीजर में रखना है। इसमें इसे पूरी हवा निकाल देनी है, इसको इसे फैला देना है और फिर ये जिप बंद करनी है। ये जिप बंद कर देनी है, प्रॉपर बंद नहीं हुई थी तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया है। तो इसको हम लोग जिप लॉक बैग को फ्रीजर में रख देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से 3 जिपलॉक बैग तैयार कर लिए है। आप चाहो तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से 3 जिपलॉक बैग तैयार कर ली है। आप चाहो तो इसको कंटेनर में भी रख सकते हो, लेकिन बैग को फ्रीजर में रखना ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने जिपलॉक बैग में रखा है। आप नॉर्मल बैग भी यूज़ करके सकते हो, सिर्फ उसको उसका सील प्रॉपरली बंद करना चाहिए। और छोटे छोटे बैग बनाने का फायदा ये है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो ग्रीन पीस यूज कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। सो प्लीज वॉच माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।